समान मानसिकता यानी इक्वल माइंडेडनेस। तो यहाँ पर समान मानसिकता का मतलब है कि आप दिमागी तौर पर सुकून से जी रहे हैं। अगर मन में बैलेंस ना हो तो सुकून से कैसे जी पाएंगे। समझदार लोग कभी भेदभाव नहीं करते और ना ही किसी एक की साइड लेते हैं। आप एक ऑब्जर्वर हो जिसे हर किसी के साथ हमदर्दी है। अगर हम किसी एक की साइड लेंगे तो हम पर तरफदारी करने का इल्जाम लग सकता है। बेशक हमें ये लगे कि हम सही साइड ले रहे हैं और इस चक्कर में कई बार हम सच्चाई को भी झुठलाने लगते हैं। हम दूसरों को मेंटली अटैक करने लगते हैं और खुद को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। फिर होता यह है कि सामने वाले और हमारे बीच एक नफरत पनपने लगती है। नफरत हमें एक कड़वाहट से भर देती है। ये सब चीजें माइंड को बैलेंस में नहीं रहने देती और एक अनबैलेंस्ड माइंड कभी भी हमें सुकून से जीने नहीं देता। इसीलिए समान मानसिकता यानी कि इक्वल माइंडेडनेस इंसान कभी अपनी सोच को अपने जजमेंट पर हावी नहीं होने देता। वो सबकी बात सुनता है और सबसे हमदर्दी रखता है ताकि वो बात को हर पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सके। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो उस खास विषय पर उसकी जानकारी में इजाफा होता है और दूसरा किसी के साथ मतभेद नहीं रहते। और जब मतभेद नहीं होंगे तो जिंदगी में कोई कलेश नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन इसके लिए आपके अंदर इतना सब्र तो होना ही चाहिए कि आप दूसरों की बात सुने, अपनी हर इच्छा ओपिनियन और बायस यानी झुकाव या पक्षपात से ऊपर उठे। अगर खुले दिल से सबकी बात सुनेंगे तो ही सुकून से जी पाएंगे। ट्राई कीजिएगा, अच्छे रिजल्ट यानी कि गुड रिजल्ट्स। हमारे साथ ना कुछ भी बिना वजह नहीं होता, बड़ी कमाल की लाइन है। हर चीज के पीछे एक वजह जरूर होती है, इसमें किस्मत का कोई रोल नहीं है। आप मेहनत करते हैं तो रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। आपको जो मिला है अपनी मेहनत से मिला है। अगर आप चाहें तो अपनी जिंदगी सुकून और शांति के रास्ते पर ले जा सकते हैं। जो कुछ अभी आपके साथ हो रहा है वो भी आपके एक्शन की वजह से ही हो रहा है। हम जैसा बोते हैं वही काटते हैं, जिंदगी का यही उसूल है। आपके साथ अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसकी वजह आप खुद है, और अगर बुरा तो उसके पीछे भी आपके एक्शन है। शराबी अचानक खुद ब खुद शराबी नहीं बन जाता, बल्कि इसलिए बनता है क्योंकि वो रोज पीता है। ठीक इसी तरह आपकी खुशियाँ भी आपके हाथ में है। आप खुश रहना चाहते हो तो खुश ही रहोगे। जिंदगी मुश्किलों से भरी है, इसीलिए आपको अच्छे रिजल्ट पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पर आपके एक्शन कभी खराब नहीं जाएंगे, वेस्ट नहीं होंगे। अगर दिमाग में आपने कुछ ठाना है तो उसे अचीव करने के लिए पूरा एफर्ट डालें। अगर इरादे नेक है तो सफलता भी जरूर मिलेगी। बुरे इरादे से किए गए काम कभी सफल नहीं होते, बुरा मत मानिएगा, पर यह सच है कि बुरे कर्मों का रिजल्ट यानी कि नतीजा भी बुरा ही मिलता है। हमारे बुरे कर्म लौट कर हमारे ही पास आते हैं। हम फिर से यही बोलेंगे कि हमें वही मिलता है जिसके हम लायक होते हैं। हर एक्शन के पीछे कई सारे रिएक्शन होते हैं, इसलिए सोच समझकर एक्शन लीजिएगा। सही प्रिंसिपल स्पीच और एक्शन को फॉलो करें। अगर आप अपनी फाउंडेशन मजबूत करेंगे तो जिंदगी में खुशियां और शांति जरूर मिलेगी।